नमस्कार दोस्तों, आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि आप गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को रेड बबल के साथ किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी प्रोसेस बताने वाला हूँ, ठीक है। एक एक स्टेप ध्यान से देखना, क्योंकि अगर कोई भी ऑप्शन आपने गलत सिलेक्ट कर लिया या तो कोई भी स्टेप अगर मिस कर दिया तो आपको आपका अकाउंट सेटअप नहीं होगा या तो रेड बबल के साथ लिंक नहीं होगा। तो मैं नहीं चाहता कि आप इसमें कन्फ्यूज हो जाओ, इसीलिए वीडियो पूरा एंड तक ध्यान से देखना, टाइम निकाल के पूरा देखो, ठीक है। So now let's get started into our video. A few moments later, स्क्रीन पे आपको ये वाली वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है analytics.google.com, ठीक है। यहाँ पे जाके आपकी जो जीमेल आईडी है उससे आपको साइन इन कर लेना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। एक बार आप जीमेल से साइन इन हो जाओगे तो आपके पास कुछ ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इस पेज में अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है सेटअप फॉर फ्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका अकाउंट नेम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल के लिए रेड बबल वेब, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया रेड बबल वेब, ठीक है। अब आपको ये सारा जो टिक किया हुआ है इसको ऐसे ही रखना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी नेम दे सकते हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो ये मैंने एक नेम दे दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपना टाइम जोन सिलेक्ट करना है, तो आपका और मेरा जो टाइम जोन लगता है उसको आप सिलेक्ट करो, फॉर एग्जांपल कोलकाता लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंडिया को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये इंडिया का टाइम जोन आ गया, और यहाँ पे करेंसी आप चाहो तो USD सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। USD में इजी पड़ता है इसलिए मैंने यहाँ पे USD रखा है, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ पे आ गए, उसके बाद अब आपको यहाँ पे शो एडवांस्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये वाला जो है यहाँ पे इसको इनेबल करना है, इसको इनेबल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद अब आपको ये जो यहाँ पे दिख रहा है उसको यहाँ पे क्रिएट यूनिवर्सल एनालिटिक्स वाला क्लिक करना है, ठीक है। इतना आप क्लिक कर दोगे और ये सारी चीज़ें सेट कर दोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उसके बाद आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हो। ओके ओके, एवरीथिंग डन। और अब आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीधा टाइप करना है www. आपको सिर्फ ऐसे ही टाइप करना है, और यहाँ पे https यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और आपको इस तरह से अपनी वेबसाइट को यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। एक बार आप ये सब टाइप कर दोगे उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एक बार आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो आप इसमें ऑलमोस्ट कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैं ये वाला एक ऑप्शन अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ओके, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, जाओ कुछ भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे अदर कर दो, ठीक है। और ठीक है, या तो आप कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, तो हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, मेजर कस्टमर एंगेजमेंट ऑन माय वेबसाइट, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको बस क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। एक बार आपने यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया तो उसके बाद आपको यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो भी हैं उन सबको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ने का आई डोंट थिंक आप में से कोई पढ़ने वाला है ये पूरा चीज़ है, ठीक है। तो ओके हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये सक्सेस लिखा आ जाएगा, और आपका जो गूगल एनालिटिक्स अकाउंट है वो यहाँ पे रेडी हो जाएगा। यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पे इसको डिसमिस कर दो, और यहाँ पे आपकी ये जो ट्रैकिंग आईडी है वो आपको मिल गई, ठीक है। अब इस ट्रैकिंग आईडी को आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से कंट्रोल सी कॉपी करना है, ठीक है। तो एक बार हमने यहाँ हाँ, तो दोस्तों आ गए हम फिर से अपनी स्क्रीन पे। अब आपको अपना रेड बबल का डैशबोर्ड ओपन करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल एनालिटिक्स का आपको ऑप्शन मिला है, ठीक है।
आपने यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का आपका जो ऑप्शन है उसको ओपन करना है, और यहाँ पे वो जो आईडी है वो आपको यहाँ पे प्लेस करनी है, ठीक है। तो वो जो आईडी है वो आप यहाँ पे इस जगह पे प्लेस कर सकते हो, और यहाँ से आपका जो रेड गूगल का अकाउंट है वो पूरी तरह से रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप रेड गूगल एनालिटिक्स का एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एक बार आप अपनी एनालिटिक्स की आईडी अपने रेड गूगल अकाउंट के साथ लिंक कर दोगे तो उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव हो जाएगा रेड गूगल वाला, और उसके बाद आप उस पर कितने भी डिज़ाइन अपलोड कर सकते हो ये आप पे डिपेंड कर सकते, और आप पूरा का पूरा आपको डेटा मिल जाएगा। 24 आवर्स लगेंगे आपके गूगल आईडी को रेड गूगल से कनेक्ट होने में। तो एक बार आपने यहाँ पे अपनी आईडी डाल के सेव कर दिया तो उसके बाद 24 आवर्स के बाद आप अगर अपने आईडी से गूगल अकाउंट अपना ओपन गूगल एनालिटिक्स ओपन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रेड गूगल पे क्या अपडेट्स हो रही है, आपकी वेबसाइट पे कितने विजिटर्स आ रहे हैं, सारी चीज़ें आपको उस तरह से पता चल जाएंगी। तो आई होप आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई हो, और इसकी मदद से आप अपने रेड बबल के लिए अपने गूगल एनालिटिक्स अकाउंट सेटअप कर सकते हो, ठीक है। One eternity later. हाँ तो दोस्तों ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, इस तरह से आप कर सकते हो अपने रेड बबल को गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट, और इस तरह आपको रेड बबल की आपके अकाउंट पे जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन गूगल एनालिटिक्स के थ्रू मिल जाएंगी, और कौन सी प्रोडक्ट्स पे सबसे ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसको पूरा फॉलो करोगे, स्टेप बाय स्टेप अगर फॉलो पूरा करोगे तो डेफिनेटली आपका रेडबबल अकाउंट गूगल एनालिटिक्स से लिंक हो जाएगा एकदम करेक्टली। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।